बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एक शिकायत दर्ज कराई गई है ये शिकायत एक्टर द्वारा क्रिसमस मनाने के एक वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज कराई गई हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है दरअसल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का क्रिसमस मनाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें रणबीर केक पर शराब डालकर जय माता दी कहते दिख रहे हैं इसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं नहीं इस वीडियो को लेकर संजय तिवारी ने घाटकोपर थाने में अपने वकील आशीष राय और पंकज मिश्रा के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई है शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि वीडियो में रणबीर को जय माता दी कहते हुए केक पर शराब डालते और आग लगाते हुए देखा गया है शिकायत में कहा गया है कि हिंदू धर्म में अन्य देवताओं का आवाहन करने के लिए पहले अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है लेकिन कपूर और उनके परिवार के सदस्यों ने दूसरे धर्म का त्यौहार मनाते समय जानबूझकर नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया है और उसके साथ जय माता दी कहा शिकायत में आरोप ये भी लगाया गया कि इससे शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं हालांकि पुलिस ने अभी तक मामला पूरी तरह से दर्ज नहीं किया है आपको बता दें कि रणबीर का ये अंदाज़ कई सोशल मीडिया यूजर्स को भी पसंद नहीं आया था यूजर्स ने इस वीडियो को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया था एक यूज़र ने लिखा कि दारू और जय माता दी ये क्या बकवास है वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जय माता दी कहकर दारू डाल रहा है हम ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानते हैं